नहीं करते वो अपने ऊपर बोझ लिए घूमते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि अगर अपना बोझ आपने यीशु मसीह को देना है, अगर अपना बोझ आज परमेश्वर को देना है, तो कह रहा है कि आपको प्रार्थना और विश्वास करना पड़ेगा। कह रहा है दो काम करने हैं, प्रार्थना और विश्वास। अगर आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ चर्च में बैठे हैं, विश्वास के साथ आप वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं चर्च आपका बोझ यीशु उठाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपने जितना साल हो गए थक गए, आप बोझ उठाते उठाते अपने बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठाते थक गए हो, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन बाइबल कह रही है उनको रोना पड़ता है, उनको परेशान होना पड़ता है जो लोग परमेश्वर को अपना बोझ सुबह उठकर नहीं देते, जो लोग रात को बिस्तर पर जाने से पहले अपना बोझ यीशु मसीह को देकर जाते हैं प्रार्थना में, उनको खुशखबरी मिलने वाली है, सुबह उनका बोझ हल्का होने वाला है। चर्च पास, जब आप सुबह उठकर यीशु के पास नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते, वो आपका बोझ क्यों उठाएगा? बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, घर से चले जाते हैं ऐसे ही, बाइबल नहीं पढ़ते, घर से चले जाते हैं ऐसे ही, दुकान में क्या आएगा? दुकान में जीरो आएगी, ग्राहक नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, चलते हुए पानी पर मच्छर नहीं बैठता, लेकिन जो पानी रुक जाता है उसके ऊपर मच्छर बैठता है। पतरस के ऊपर समस्या कब आई? जब उसकी प्रार्थनाएं रुक गई। आपको बता रहा हूं कि अगर आप चलते रहेंगे प्रभु में, मैं कह रहा हूं जो उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, परमेश्वर आपकी तरक्की करने वाला इस रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप अपना बोझ एक पास्टर के पास क्यों देते हैं आकर? आपको पता है कि मेरा बोझ मेरा पादरी उठाएगा, लेकिन याद रखना अगर आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि मेरे पास आओ, बस सुबह शाम मेरे पास आओ, कहता मेरे पास आओ। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि एलिया कह रहा है कि तू मेरा बोझ उठा, कह रहा है और जाकर सुसमाचार सुना, कहता है और अकाल पड़ जाएगा, और वो सोच रहा था कह रहा मैं क्या खाऊंगा परमेश्वर, कहता मैं क्या खाऊंगा, देश में अकाल पड़ा हुआ है, मैं तेरा सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ, अगर मैं प्रार्थना ही करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? परमेश्वर ने कहा इसराइल में आशीष है, इसलिए तू प्रार्थना कर, एक स्थान ऐसा चुन ले कि प्रार्थना कर। बोलता है कहाँ बैठकर प्रार्थना करूँ? बोलता है अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन तू जा और एक नाले में जाकर बैठ जा, और बोलता है मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैंने कौवे को आदेश दिया है कि वो सुबह शाम तेरी रोटियों का इंतजाम करेगा। एलिया ने विश्वास कर लिया और जाके नाले में बैठ गया और प्रार्थना करने लगा था सुबह शाम। इसका मतलब कि कितने साल कितने दिन परमेश्वर ने उसको उस नाले के अंदर बैठकर खिलाया और वो बैठा रहा प्रार्थना करता रहा। आज आपको बता रहा हूँ ऐसे लोगों के घर परमेश्वर की ब्रेड आने वाली है। अगर आप विश्वास के साथ अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। अगर आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं, परमेश्वर क्यों आपके घर कक्का भेजेगा, क्यों ब्रेड भेजेगा आपके घर? मान लो अगर एक व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से प्रार्थना कराए, बोले पास्टर जी कल मेरी रजिस्ट्री है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, प्रार्थना कर दो, और मैं उसको बोलूं, मैंने कहा जाके नाले में बैठ जा, अगर मैं उसको बोलूं गटर में बैठ जा, गटर का ढक्कन खोलकर नाले में बैठ जा, वो बोलेगा पादरी सठिया गया भाई साहब, दोबारा नहीं आएगा चर्च। लेकिन खो नहीं है, खैलिया विश्वास कर रहा है, किस पर? यीशु मसीह पर, यहोवा की बातों पर विश्वास कर रहा है। एलिया कह रहा था, कह रहा कि मैं तो बोझ में हूँ, मैं तो समस्या में हूँ। बोलता है अरे जब तू खुदा का काम करता है, जब तू खुदा का बोझ उठाता है, तो आज खुदा तेरा बोझ उठाने के लिए आ गया है। वो कह रहा है तुम्हारी रोटियां स्वर्ग से गिराने के लिए आ गया है, तुम्हारा कह रहा जो डिमांड है वो स्वर्ग से मन्ना गिराएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। याद रखना यीशु से मन्ना लेने के लिए, यीशु से चंगाई लेने के लिए विश्वास करके आना पड़ता है उसके पास। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विश्वास कर कराया है। मैं देख रहा उसको बोला जा नाले में बैठ जा, और नाले में बैठ गया भाई साहब। लिखा सुबह शाम उसके लिए रोटी लेकर आता था, किसके लिए? एलिया के लिए। क्यों परमेश्वर ने आदेश दिया? अरे परमेश्वर की बात पर अगर विश्वास करके, अगर आप प्रार्थना करके अपने कमरे में बैठते हो, याद रखना आपके घर कक्का एक ब्रेड लेकर आ रहा है चर्च। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते उनके घर कक्का आएगा तो जरूर, लेकिन बीट आएगी, लोगों के ऊपर बीट ही गिरती रहती है, समझ रहे हो? क्यों गिरती है बीट? इसका मतलब नुकसान ही होते रहते हैं उनके। कारण क्या है? क्योंकि वो कभी प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले हैं चर्च, मैं क्या कह रहा हूं, विश्वास करने वाले हैं, एक कक्का आपकी इंतजार कर रहा है, आपके घर पर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बुलाना है कि नहीं कक्के को? लेकिन क्यों आएगा वो? कह रहा जब आप बोझ नहीं उठाते परमेश्वर का, जो बाइबल में लिखा वो उसको उठाओ, जो बाइबल में लिखा प्रार्थना कर तो प्रार्थना कर। परमेश्वर कभी भी किसी के घर ब्रेड नहीं भेजता जब तक वो प्रार्थना नहीं करता।
तब तक वो कौवे को आदेश नहीं देता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को कि अपने आप ही बोझ उठाए घूम रहे हो, परमेश्वर मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगा है, कैंसर हो गया है, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, मैं बीमार हो गई हूँ, अरे परमेश्वर करा अपना बोझ मुझे दे दे, तू सुबह शाम प्रार्थना किया कर, हाँ परमेश्वर मैं बीमार हो गई हूँ, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे, अरे चिंता का बोझ परमेश्वर को दे दे, अरे टेंशन का बोझ परमेश्वर को दे, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, तेरा तेरा ब्रज, तेरे घर का काम, तेरी जॉब, सारा इंतजाम क्या करेगा, एंजल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, एंजल आने वाला है आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का बोझ परमेश्वर ने उठा लिया, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। पास्टर था और उसको रजिस्ट्री करानी थी और वो काफी समय से चर्च की रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था, 35,000 रुपए कम पड़ रहे थे, वो बेचारा रोने लगा और रो रहा है और दुआएं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा जा मैं तेरे लिए कौवा भेज रहा हूँ। पहले थोड़ी देर विश्वास नहीं किया उसने, उसने कहा अब कोई आया तो है नहीं, कल सुबह मुझे 10 बजे यहाँ से निकलना है और दोपहर को मेरी रजिस्ट्री होनी है, कहता कि अब मैं क्या करूँ। उसने बेचारे ने विश्वास के साथ अपनी साइकिल में पैडल मारने शुरू कर दिए, तो उसी समय एक आदमी उसको मिला साइकिल पर और उसने कहा भाई साहब ये अखबार कर पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ ली है। उसने कहा मैंने क्या करना अखबार का यार, मैंने रजिस्ट्री कराने जाना है। उसने कहा नहीं अखबार ले ले। अखबार जब उसने लिया, उसने खोल कर देखा अखबार में पूरे 35,000 रुपए पड़े हुए थे। हालेलुया, साडे वास्ते कक्का आ गया है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपके लिए कोई कक्का आने वाला है, आपके घर मिराकल मनी होने वाली है, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। कर अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, कर जो पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। एलिया ने नाने की कोठरी सुन लिया। अगर आपके पास नहीं है, आपके बाजू में गटर है, जाकर ऊपर ढक्कन लगा दो, बैठ जाओ उस कोठरी में और जाकर बैठो उस कोठरी में और प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, पिता गुप्त में देखता है, एकांत में देखता है, लेकिन हाँ जी भैने तू भी आ जा, भैने तू भी आ जा, आप बह के प्रार्थना करेंगे, मैं तेरे को नहीं होती हूँ, बासियां मारती है सर, ऐ कर देगी, ऐ जोर ला देगी माड़ा जा, मैं तो हार्ट की मरीज हाँ, ऐ जोर ला देगी, ऐ प्रार्थना तू प्रार्थना करी जा, मैं तो हार्ट की मरीज हाँ। परमेश्वर कह रहा है एकांत में जा अपनी कोठड़ी में, परमेश्वर देख रहा है तुम्हें। अगर आपकी ब्रेड घट रही है, अगर आपका पैसा घट रहा है, आपका बिजनेस घट रहा है, आपका कुछ भी घट रहा है, अगर घट रहा है, परमेश्वर कह रहा है कोठड़ी में जाओ और मांगना स्टार्ट करो परमेश्वर से, आज ही घटी पूरी होने वाली है, आज ही कौवा आने वाला है, आज ही समस्याएं दूर होने वाली है। पादरी पादरी ऐसे हो जाएगा भाई साहब, घर पे नहीं है भाई साहब, अपनी कोठड़ी में जा, किससे आशीष पाना है आपको, परमेश्वर से, परमेश्वर एक कक्के को भेजने वाला है। आप लोग चिंता कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, अरे जब मैं इसको पढ़ता हूँ एलिया के बारे में कि परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल किया, कितना कक्के को आदेश दिया रोटी खिलाने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई घटी है समस्या है, आप बोझ उठाई जा रहे हो, आप कोठड़ी में जाओ, परमेश्वर को बोझ देकर तो देखो, प्रार्थना करके तो देखो, आप एक घंटा दो घंटा, अरे यहाँ पर सालों साल 3.5 साल अकाल पड़ा था और कितने साल इसने प्रार्थना किया होगा उस कोठड़ी में, कितने साल इसने उस नाले में प्रार्थना किया होगा। तो मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो उस समय डॉक्टर को जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि तेरी वाइफ के बच्चेदानी में गांठ है और या तो बच्चा रहेगा या तेरी वाइफ। जब मुझे रिपोर्ट का पता लगा मैं उसी समय दीवार की ओर मुंह करके हिजकिया की तरह रो रो कर दुआएं किया परमेश्वर के सामने, अपनी पत्नी को बोझ नहीं दिया, वो मैंने खुदा को बोझ दिया, मैंने परमेश्वर को बोझ दिया, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं तेरा बोझ उठाता हूं, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे को अपनी पत्नी का बोझ दे रहा हूं, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये बीमारी चाहिए नहीं। आप कर सकते हो ऐसा, कर सकते हो, कर सकते हो ऐसा, नहीं करते हम कई बार, अरे शादीशुदा आदमी हो भाई साहब,
तो भी पेड़ पे चढ़ गया और प्रार्थना करने लगा, शर्म नहीं करता। अगर परमेश्वर कहे गटर में बैठ जा, गटर में बैठूंगा, लेकिन प्रार्थना करने का मकसद है परमेश्वर का। परमेश्वर कह रहा है किसी भी समस्या में हो, किसी भी गटर में हो, किसी भी खड्डे में हो, दानियल खड्डे में था तो प्रार्थना किया। आप परमेश्वर कह रहे हैं आप किसी भी खड्डे में हो, आप प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके ऊपर भीड़ गिरती है। भाई साहब भीड़ ही होती है, फिर खाली हाथ लौटते हैं। प्रार्थना करो, परमेश्वर को अपना बोझ देकर आओ। पवित्र आत्मा आपका बोझ लेने वाला है। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब मैं अगले दिन मैं फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं कोई डांट रसोली नहीं है, नॉर्मल। मेरा परमेश्वर है। मैंने उस रात सोच लिया था अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ मैं इंजीनियर नौकरी पे दोबारा जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनने के लिए जाऊंगा, मैं फौज की नौकरी कर लूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा तेरी, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर सुनता है वो रात, परमेश्वर जानता है कि मुझे पादरी बनाकर रखा अब तक। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दुख है, हम परमेश्वर को बोलते हैं कई बार कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या आप अपना बोझ परमेश्वर को देते हो ईमानदारी से? क्या अपना टाइम देते हो, अपना टाइम देते हो परमेश्वर को, अपना दशमांश देते हो, क्या परमेश्वर की मानते हो? अगर आप मानते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि एकदम आपके घर में आने वाला ब्रेड गिराने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लिखा सुबह शाम, अगर आप एक कमरे में बैठ जाए भाई साहब, सुबह शाम मेरा खुदा इंतजाम करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप प्रार्थना करने वाले बनो विश्वासी, आज परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के लिए कब्जा फेंक रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। विश्वास है कि नहीं? देखो एलिशा के पास एक औरत आई और बोलती है मेरा लड़का मर गया, लेकिन उस समय उसने क्या किया, बोलता है कह रहा है ये ले मेरी छड़ी लेके जी और इसके घर पे जाना और रास्ते में किसी से बात नहीं करना। लेकिन गेट जी ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसने जाकर वहाँ पर फटी रखा और वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ और आकर कहने लगा, ये भी कहने लगी करी जड़ा पास्टर तू भेजिया सी छड़ी दे के भेजिया सी, कम नहीं होया, मुंडा जिंदा नहीं होया। और गेजी क्या करा कर, गेजी क्या करा कर, पास्टर जी आपने जो छड़ी दी थी ना काम नहीं करी वो। अलीशा ने बोला कह रहा मैंने तेरे को क्या बोला था, मैंने कहा था कह रहा आदेश दिया था कि जब तू मिशन में जाए, मिशन है ये मिशन, कह रहा जब तुम अपनी कोठरी में जाओ, मिशन है मिशन, किसी से बातें नहीं करना, कोठरी की कुंडी लगा लेंगे, इंग्लैंड का फोन आ रहा है मेरे पति का, पहला मैं फोन सुन लिया, पास्टिंग में फोन सुनते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। और परमेश्वर क्या कर रहा है, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपना मुंह भी बंद कर दूसरों के लिए। बोला हालेलुया। यही कारण है कि वो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कह रहा जब इसने बात किया उसके बाद ये छड़ी भी बेकार हो गई और उसके बाद सीधा एलिशा उसके घर पहुंच गया और उसके ऊपर ही बैठ गया और मुर्दा जिंदा हो गया। सर बोला हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? कहता तेरी वजह से मेरी छड़ी भी खराब हो गई, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर ये उसकी माँ की तरह इशारा भी कर देता तो वो भी गिर जाती है। कर ऐसे करके विश्वास से। हालेलुया। अमेजिंग मिराकल, प्रॉफिट जी के बोलते ही चेले के ऊपर अनॉइंटिंग आ गई। इसके हाथ में नहीं है पावर, मेरी छड़ी में है, मेरी छड़ी में नहीं है, मेरी जुबान में पावर है। हालेलुया। मेरी जुबान में पावर नहीं है चर्च, मेरी कोठड़ी में पावर है। यीशु कह रहा है तुम्हारी कोठरी में कैसे आऊं, मैं तेरे दिल में कैसे आऊं, मैं तेरे घर में कैसे आऊं जब तू प्रार्थना नहीं करता। करा जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी कोठरी में यीशु आने वाला है, ब्रेड आने वाली है, बरकत आने वाली है, तेरा वीजा आने वाला है, आशीष आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आज रात रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है आपके शरीर में, आपकी कोठरी में करा यीशु हाथ डालकर उठा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर का बोझ किसने उठा रखा है? बाहर लेंटर ने उठा रखा है कि नहीं? दो खंभों ने उठा रखा है कि नहीं? कहता ये मिनिस्ट्री PBS है, मिनिस्ट्री कर, अगर जितने लोग यहाँ पर आते हैं कहता आपका बोझ ये मिनिस्ट्री उठाकर यीशु को देने वाली आदि यीशु मसीह के नाम में। कहें कि अगर आज आप प्रार्थना ही करते हैं तो यकीन करो मेरे यीशु ने, विश्वास करो आपका बोझ उठा रखा है।
परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। जितने लोग आज ये फैसला ले रहे हैं कि मेरे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना ही किया करूंगा, परमेश्वर आज रात इनके घर पवित्र आत्मा वो कंका इनका पासपोर्ट वीजे का लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गवर्नमेंट जॉब को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, वो ब्रेड इनका इंतजार करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु ये ब्रेड का इंतजार न करें, ब्रेड इनका इंतजार करें आज घर पर जाते यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं इसी समय आशीष को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष को खोलता हूँ आपके रजिस्ट्री होने पाए इस साल में यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जो खो दिया है, अगर किसी ने कोई औलाद खो दी है, कोई बच्चा खो दिया है, विराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर फिर से तुझे औलाद देने के लिए जा रहा है, फिर से तेरी शादी होने के लिए जा रही है, तलाक हो गया निराश मत हो, परमेश्वर फिर से तुझे ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो पांच जन को बच्चे होने के लिए जा रहे हैं, ब्रेड आ रही है आपके पेट में, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, कैंसर जाए, रसौलियां जाए, हड्डियां जाए, आउट 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 यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। परमेश्वर ने हमारी सुन ली, तो नाउ ऑल थैंक्स टू लॉर्ड जीसस फादर एंड होली स्पिरिट जिन्होंने हमारा काम बना दिया। तो ये परमेश्वर है, अगर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ जो मेरी तरफ देख रहा है लाइन में बैठ के भी और यहाँ पर भी, निराश होने की जरूरत नहीं है, अगर रिफ्यूजल लगी है आ जाना मेरे चर्च में, पास होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य में।